दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले ऑन अ टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी एंड इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट रेट सेल्स क्या होता है। जब हम इसकी बातें करते हैं फ्रेंड्स, तो अगर कोई भी सेल्स मैं विद इन द स्टेट करता हूँ, अगर मैं विद इन द स्टेट अगर कोई सेल्स करता हूँ उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट सेल्स। अगर उसी प्रकार अगर मैं क्रॉस बॉर्डर कोई सेल करता हूँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट सेल्स। इंटरेस्ट रेट सेल्स के अंदर फ्रेंड्स, अगर मैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को माल बेच रहा हूँ, मैं ऐसी जेट को माल बेच रहा हूँ, या फिर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ऑल दिस टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर इंटरेस्ट रेट सेल्स। अब चार प्रकार के टैक्स होते हैं फ्रेंड्स, दैट इज सीजीएसटी, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूटीजीएसटी, दैट इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर मैं लोकल में माल बेच रहा हूँ, दैट इज अगर मेरा इंटरेस्ट रेट सेल्स है, तो जो मेरे को टैक्स लगेगा दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दैट इज ऑल्सो 50-50% ऑफ द टैक्स डिटरमाइंड। लेट्स से अगर मेरा 18% टैक्स रेट है, तो मुझे 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी लगेगा। इसी प्रकार अगर मैं यूनियन टेरिटरी के अंदर माल बेच रहा हूँ दोस्तों, यूनियन टेरिटरी के अंदर एसजीएसटी विल बी रिप्लेस बाय यूटीजीएसटी, मींस यूटीजीएसटी 50%, सीजीएसटी 50%। पर अगर मैं क्रॉस बॉर्डर या अगर सिंपल लैंग्वेज में इंटरस्टेट सेल्स है, आई हैव टू पे IGST on that part। तो हम लोग को इतना ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, पर लोग इसमें बहुत भूल करते हैं। और एक पॉइंट आपको बता दूं, लेट्स अगर मैं यूनियन टेरिटरी से कहीं माल बाहर भेज रहा हूँ या वहाँ पे अंदर आ रहा है, तो UTGST नहीं लगेगा, IGST will be available। I'm CA Samish Chaudhary, hope the concept is clear to you all। Thanks a lot friends।